गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्ट्रेस गुलकी जोशी के बारे में। गुलकी जोशी ने बहुत सारे टीवी शो में काम किया है। उनको सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी मैडम सर शो से मिली थी, जिसमें उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया। आज गुलकी जोशी टीवी के पॉपुलर सेलिब्रिटी में से एक है, लेकिन उन्हें शुरुआती दिनों में बहुत सारे रिजेक्शन मिले, उसमें इंसल्ट भी तो उनकी हुई। उनकी सक्सेस स्टोरी और उनको कब मिला उनका पहला शो, गुलकी जोशी के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में और उनकी नेटवर्क के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यदि आप गुलकी के फैन है, उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, इसको जरूर देखना। तो दोस्तों बात करते हैं गुलकी जोशी के जन्म की। तो उनका जन्म 17 मई 1990 को इंदौर मध्य प्रदेश में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही गुलकी जोशी नटखट सी और हर मोमेंट को सेलिब्रेट करने वाली लड़की है। वह पैदा जरूर इंदौर में हुई थी, पर उनकी स्कूली पढ़ाई मल्हार की बॉम्बे कैम्ब्रिज हाई स्कूल से कंप्लीट हुई और अपने स्कूली दिनों में वह टॉपर स्टूडेंट के साथ वह अपने स्कूल में होने वाले नई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट जरूर किया करती थी। डांस, ड्रामा और स्पोर्ट्स हर फील्ड के अंदर वो अच्छी थी। उनका टीवी करियर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जब गुलकी जोशी क्लास 8 में थी, तब भी सबसे पहले उनको एक प्रोग्राम के अंदर चुन लिया गया था। उन्होंने कई कैरेक्टर को अपनी आवाज में परफॉर्म किया था। गुलकी जोशी जब 11th क्लास में थी, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम एक टीवी शो के लिए ऑडिशन दिया था। यह शो DD1 पर टेलीकास्ट किया गया था। गुलकी जोशी ने उसका ऑडिशन दिया और उन्हें पहले ही ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया गया। हालांकि गुलकी जोशी का रोल इस शो में बहुत छोटा था, उन्हें केवल 2 दिन के लिए ही वहां रखा गया था और इस काम के लिए गुलकी को 3,000 रुपये दिए गए। वैसे तो 3,000 रुपये बहुत छोटी रकम होती है, पर गुलकी जोशी को उनकी पहली एक्टिंग फीस मिली थी, इसलिए वो बहुत खुश थी और प्राउड फील कर रही थी। उनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इन सब के बाद अपनी पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए गुलकी जोशी ने अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट की। उसके बाद मिट्टीबाई कॉलेज ज्वाइन किया। गुलकी ने फिलोसॉफी से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की। अपने कॉलेज के दौरान बल्कि कॉलेज में होने वाले एक्टिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया करती थी और वहां उन्हें हमेशा बहुत तारीफ मिलती थी। उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बात करते तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुलकी को समझ आया कि वह एक्टिंग के लिए ही बनी है। अब उन्होंने तय किया कि वह एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएगी, इसलिए उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था। एक्टिंग प्रोग्राम से जुड़ने के बाद काफी ज्यादा प्लेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिससे उनकी एक्टिंग इंप्रूव होने लगी। गुलकी जोशी ने पुरुष नाम की प्रोग्राम में एक रैप एक्टिंग का रोल किया था। इस रोल के लिए उनको बहुत ज्यादा सराहना मिली। इसके बाद गुलकी जोशी ने एक्टिंग करियर में आगे कदम बढ़ाते हुए टीवी इंडस्ट्री में ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। टैलेंटेड एक्टर थी, फिर भी उन्हें लंबे समय तक किसी शो में कोई ब्रेक नहीं मिला। गुलकी जोशी को हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। वहां कोई उन्हें सांवली बोलकर रिजेक्ट कर देता था, तो कभी कोई बोलता कि गुलकी जोशी इस रोल में शूट नहीं कर सकती। ऐसा एक दो बार नहीं, कई बार हुआ। एक बार तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने यह भी कह दिया था, तुम क्या नौकरानी का रोल के लिए यहाँ आई हो। ऐसे ही बहुत सारे शब्द काफी थे किसी को डीमोटिवेट करने के लिए। पूरे जंक्शन से परेशान होती थी, परंतु हर दिन नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करती थी और फिर से ऑडिशन देने के लिए नाकाम रहने लग जाती थी। फिर भी वो अपना प्रयास निरंतर रहती थी और उन्हें सफलता टाइम के साथ जरूर मिली। काफी समय के बाद गुलकी जोशी के टैलेंट को एक डायरेक्टर ने पहचाना और फिर उन्हें साल 2011 में क्राइम पेट्रोल में एपिसोड मिला। इसके बाद साल 2012 में पहली बार एक रोल के लिए कास्ट किया गया था, जिसमें गुलकी जोशी को काफी तारीफ मिली और इसी वजह से विश्व की ऑफर आने लगी, जैसे नादान परिंदे, घर आजा, ए मोहब्बत पिया रंगरेज, बस थोड़े से अनजाने, अदालत, एक श्रृंगार, स्वाभिमान, परमावतार, श्री कृष्ण पिया अलबेला में उन्होंने काम किया। लेकिन इन सब के बाद साल 2020 में उन्हें टीवी शो मिला, उसमें गुलकी जोशी को टीवी की स्टार एक्ट्रेस बना दिया। मैडम सर शो में गुलकी ने HHO हसीना मलिक का रोल निभाया। इस शो में गुलकी के अलावा 2 और लीड एक्ट्रेस है, जो है युक्ति कपूर और भाविका शर्मा। दोस्तों हम उस शो के बारे में और बात करते हैं, तो मैडम सर शो टीवी पर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ ही, साथ इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ। इसकी वजह यह है कि जो फेमस एक्ट्रेस थी, जो तीनों लीड एक्ट्रेस थी, वो टिकटॉक पर, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोज क्रिएट करती थी, इसलिए यह शो इंटरनेट पर भी चर्चा के अंदर आ गया था। काफी TRP इनको मिली थी, इस शो को मिली थी। साल 2023 में गुलकी जोशी ने इस शो से ब्रेक लिया। उनके शो से अलग होने पर बहुत सारे रोमांस आए, लेकिन गुलकी ने क्लियर किया कि लगातार काम करने से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी।
और वह काफी थक गई थी और थका हुआ फील करती थी, इसलिए उनको ब्रेक लेना जरूरी समझा। लगातार 3 साल तक एक सुपरहिट शो का हिस्सा रहे, फिर एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। इस अवसर पर गुलकी जोशी का कहना है कि रिजेक्शन सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी है, किसी की सक्सेस की असली वजह रिजेक्शन ही बनते हैं। तो दोस्तों बात करें उनकी नेटवर्थ की, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 8 से 10 करोड़ रुपए के करीबन है। साथ ही उन्हें करोड़ों लोग पसंद करते हैं, जो कि एक दौलत से कम नहीं है। चलिए दोस्तों उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। बेखुदी नाम की फिल्म में तथा और भी कई सारी फिल्मों में छोटे छोटे रोल गुलकी ने किए हैं। साथ ही उन्होंने अग्निपंथ, काल चक्कर, पुकार और सबका साई इन वेब सीरीज में भी काम किया है। उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो फिलहाल वह सिंगल है और उन्हें किसी भी रिलेशनशिप में जाने की जल्दी नहीं है। वह ऐसे इंसान की तलाश के अंदर जरूर है वो उसकी टाइप का हो। गुलकी जोशी की हाइट की बात करें तो 5 फीट 4 इंच, बॉडी वेट लगभग 52 किलोग्राम। गुलकी जोशी सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उनके फॉलोअर्स लगभग 950 के हैं। इंस्टाग्राम पर अपने लाइफस्टाइल फोटोज, फोटोशूट और रील वीडियोज के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी गुलकी जोशी के बारे में पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।